हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे आई एम हियर विद बायोलॉजी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। डेट शीट हैज बीन रिलीज्ड, आपने नोट कर ली होगी। तो बायोलॉजी का सिलेबस नोट कर लो, चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको दी जा रही है। रिप्रोडक्शन 16 का आ रहा है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 का, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 का, बायोटेक्नोलॉजी 12 का और इकोलॉजी 10 का। 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे पूछ रहे हैं, तो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 मार्क्स का आपका रहेगा। कैसे, 18 क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, 14 एमसीक्यू, ठीक है, रहेंगे उसमें, और 14 और 4 क्वेश्चन जो रहेंगे असर्शन रीजन बेस्ड रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 7 आएंगे, दो दो नंबर के। 5 क्वेश्चन आएंगे तीन तीन नंबर के, च्वाइस किस दो में होगी, ठीक है। और दो 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 क्वेश्चन आएंगे चार चार नंबर वाले केस बेस्ड, और तीन क्वेश्चन पांच पांच वाले जिसके अंदर इंटरनल रहने वाली है। इससे पहले आपकी स्ट्रीम के केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी डाल दिए गए हैं, इंग्लिश का हिंदी का भी डाल दिया गया है, कंप्यूटर साइंस का भी, देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, जरूर समाधान किया जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर आपका 2024 में आएगा और सोल्व करके दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है आपने, ये सब स्टॉप करके आपको नोट कर लें इन सब को। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इनमें से एक जो है राइट है, बाकी सब रॉन्ग हैं, तो कौन सा हो जाएगा वो। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, नो। IUDs इंक्रीज फैगोसाइक्लोटोसिस रिएक्शन इन यूटेरस, येस। तो बी इज़ द राइट आंसर, CODB यहाँ रॉन्ग हैं। हारमोन्स रिलीज बाई प्लेसेंटा आर कौन कौन से होते हैं वो, ABCD, देखो इनमें से HPL, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोन एंड रिलैक्सिन, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, डी इज़ द राइट आंसर। टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है वो, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद ए होमोजाइगस रिसेसिव जेनोटाइप, ठीक है। फोर्थ देखिए, ह्यूमन क्रोमोसोम्स विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर कौन से होते हैं वो, तो यहाँ पर क्रोमोसोम 1 एंड I आ जाएगा, C द राइट आंसर। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे, फाइलोजिनी, तो यहाँ पर B राइट आंसर आ जाएगा। एड्स इज कॉज्ड बाई HIV डज नॉट स्प्रेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन, किन से वो नहीं फैलता है, डज नॉट स्प्रेड, तो शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन से वो नहीं फैलता है, तो सी इज द राइट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोरिजा इज, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्लोमस, ए इज द राइट आंसर। PCR इज मोस्ट यूजफुल इन, तो देख रहे हैं लेवल DNA एम्प्लीफिकेशन, और ए ट्रांसजेनिक एनिमल हैज क्या होता है, फॉरन DNA इन इट्स सेल्स, तो यहाँ पर ए राइट आंसर। ए प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, वट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन जोन आफ्टर 6 जनरेशन, तो क्या हो जाएगा ये, 64, सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए कितने आसान MCQs आए हुए हैं, फ्री के नंबर हैं ये। इंटरेक्शन बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प इज, क्या आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म, बी इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक कंटेन्स, क्या कंटेन करती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनको कंटेन करती है, सी इज़ द राइट आंसर। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट, एप्पल, एप्पल इज द राइट आंसर। एंड 14, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पॉइंट म्यूटेशन, येस। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, येस। मेंडेलियन डिसऑर्डर, येस। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला पढ़िए, 15वां, अ कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, रीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ई प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेक्स अ कम्युनिटी, तो क्या आ जाएगा 15वें में, बोथ ए एंड आर आर राइट, एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद 16वां देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स आर कंपेरेटिवली हजार्डस देन बायो पेस्टिसाइड्स, रीजन में आ जाएगा, बायो पेस्टिसाइड डिग्रेड द एनवायरमेंट क्विकली, तो 16th में कहेंगे ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स,
17वीं में देखिए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, और रीज़न है वन एंजाइम में कंटेन वन और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। 18वें में भी ऐसे ही देखिए, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन सेक्शन बी में, ठीक है। तो सेक्शन बी में क्या पूछते हैं, ये नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन एक्सिन लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, राइट डाउन इट्स एडवांटेज ऑफ इट फॉर पोलर ग्रेन। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में, आप लिख देंगे स्पोरोपोलेनिन, और क्या करता है ये, एग्जामिन प्रोटेक्ट द पोलन फ्रॉम डेसिकेशन एसिड्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन दस इंक्रीज इट्स वायबिलिटी। तो ये आ जाएगा, व्हाट इज द पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन दैट इज कॉज्ड बाय एडिशन डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, है ना, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज बाय पॉइंट म्यूटेशन वेयर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन चेंजेस, है ना, कोडॉन GAC टू GUG, ठीक है, इस तरह से। 21 में देखिए, विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई आर इधर एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन, ऑल्सो टेल द काइंड ऑफ इवोल्यूशन दे रिप्रेजेंट। तो विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई आर एनालॉग ऑर्गन्स, येस दीज शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वेयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर इवॉल्व फॉर द सेम फंक्शन। 22nd में देखिए, व्हाट इज GEAC रेफर टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, ये हो गया। राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के थे कि मेड डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडेशन ऑफ GMO रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज GMO फॉर पब्लिक सर्विस। अगर ऑप्शन में जाएं, इफ़ वी डोंट फॉलो जेनेटिक बैरियर्स वाइल क्रिएटिंग GMOs इट कैन बी डेंजरस, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, हाँ येस वी एग्री विद द स्टेटमेंट, एज इफ जेनेटिक बैरियर्स आर नॉट यूज फॉर क्रिएटिंग GMO दिस कैन बी डेंजरस एज दिस ऑर्गेनिज्म कैन कॉज ए थ्रेट टू नेचुरल फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मे लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉज इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, पोज थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, ये सब आपको लिखना होगा। अ पर्सन इज एडवाइज्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, विच इन्फेक्शन इज ही सफरिंग फ्रॉम, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस डिसऑर्डर। तो द पर्सन में बी अफेक्टेड बाई एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, बाई HIV वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस एंड इट हैज़ RNA एज जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ रेट्रोवायरस, ठीक है, आधे नंबर का ये भी हो जाएगा। तो 24वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्ली एंड वन मेल, है ना, जेमिट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इट ऑकर्स इन एम्ब्रायो सैक, राइट, और नेम द न्यूक्ली इन्वॉल्व इन इट, टू पोलर न्यूक्ली एंड वन मेल हैं जेमिट आर इन्वॉल्व इन दिस फ्यूजन। और में आएगा, वाई अपोमिक्सिस इज प्रेफर टू प्रोड्यूस सीड्स इन हाइब्रिड क्रॉप्स, तो अपोमिक्सिस इज प्रेफर टू प्रोड्यूस सीड्स इन हाइब्रिड क्रॉप्स एज इन दिस टेक्निक जो होती हैं, सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन सो नो सेग्रीगेशन ऑफ यूजफुल करेक्टर, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ सीड प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो एक्सप्लेन हाउ XXY इंडिविजुअल कैन अराइज इन ह्यूमन बींग, नेम द डिसऑर्डर एंड इट्स सिम्टम, तो बाई गेनिंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम से ऐसा होता है, दिस इज नोन एज, है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सच इंडिविजुअल आर मेल्स विद फेमिनिन करेक्टर्स लाइक गायनेकोमास्टिया, दे आर जनरली स्टेरल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और 26वां देखिए, सेक्शन सी में, हाउ ह्यूगो डी वेरस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिफर फ्रॉम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो लिखिए आप, इन सडन एंड रैंडम म्यूटेशन एट लार्ज स्केल दैट कॉज स्पेसिएशन एंड ही प्रपोज्ड सॉल्टेशन ऑन बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड डार्विन क्या कहता था कि ऑन स्लो एंड इनहेरिटेबल म्यूटेशन दीज म्यूटेशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन, नेचर सिलेक्ट द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 27वां देखिए, वाई डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस कोलरा टाइफॉइड स्प्रेड मोर कॉमनली इन क्राउडेड एरियाज, ठीक है, तो बताइए, दैट स्प्रेड थ्रू एयर वाटर, है ना, सो इन क्राउडेड एरियाज दीज जो हैं देयर ट्रांसमिशन कैन हैपन ईजिली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यदि आप बीच में जाते हैं इसमें, वट आर वैक्टर एंड
पैथोजेंस, पैथोजेंस आर डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और वेक्टर्स आर ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट दैट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजेन, फ्लाइज, मेस्किटोज, ठीक है। 28वां देखिए, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ जनरली सिंथेसाइज इंसुलिन ओवर ट्रेडिशनली सिंथेसाइज इंसुलिन, नेम द ऑर्गेनिज्म यूज टू प्रोड्यूस दिस इंसुलिन। तो इन डज नॉट कॉज एलर्जी, है ना, ईजी एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्शन बाई आर डी एन ए टेक्नोलॉजी, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई ट्रांसजेनिक ई कोली। और हम जाएँ अगर 28वें के ऑप्शन में, नेम द नेमेटोड दैट इन्फेक्ट्स द टबैको प्लांट एंड द पार्ट दैट इट इन्फेक्ट्स, तो ए में आ जाएगा मेलोई डैजेनी, है ना, इनकॉग्निटो, और रूट्स में हो जाएगा ये। और बी में जाएँ, हाउ इज एग्रो बैक्टेरियम यूज टू प्रोटेक्ट टबैको प्लांट फ्रॉम दिस अटैक, तो क्या होता है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्टैंड ऑफ आरएनए एंड बीइंग कंप्लीमेंटेड टू ईच अदर, दिस डीएसआरएनए इनिशिएटेड आरएनएआई एंड साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ नेमेटोड, हेंस पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन होस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29th में देखिए, वाई एनर्जी पिरामिड्स इन ए फूड चेन आर नेवर इन्वर्टेड थ्रू, ऑल्दो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आपको पिक दी जा रही है। उसके बाद देखिए, वाई ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि सनलाइट थ्रू आउट द ईयर होती है, इट हैज एम्पल रेनफॉल होता है, ठीक है, दे डू नॉट फेस एनी नेचुरल एनवायरमेंट डिसएडवांटेजेस, है ना, शोज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। और विच अप्रोच ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डू यू फील इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ब्रॉड यूटिलाइजेशन और नैरो यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलिटेरियन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखिए, आप द ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एज इट कंसिडर द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, हैंस गिव अस अ ब्रॉडर अप्रोच टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिनेटर एंड प्लांट, रिलेशनशिप लाइक प्रीडेशन एंड कॉम्पिटिशन, एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रिलेशनशिप ऑफ फॉरेस्ट विद रेनफॉल एंड सॉइल इरोजन। ये सब आप लिखेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हल करेंगे ये हम आपको पिक भेज रहे हैं, ठीक है। इसी तरह और में भी आप देख सकते हैं, ये इमेजेस भेजी जा रही हैं। 32वां देखिए, केस स्टडी 2 में है, तो ये क्वेश्चन है और ये आप पढ़ सकते हैं, आंसर भी आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये इसके और के भी। 33वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट हैपेंस इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड। तो यहाँ पर देखिए, थ्री फेजेस हैं, वो हैं मेंस्ट्रुअल फेस, फोलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस, ठीक है। आप जाएं तो इम्प्लांटेशन, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। और व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, एक्सप्लेन, तो ये आंसर आपको दिए जा रहे हैं पिक के माध्यम से। और एक्सप्लेन इन टू लाइंस, प्रोमोटर कोड स्ट्रैंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। राइट साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, तो ये इसके फीचर हैं। बी में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35वां देखिए, हाउ ए रिपोर्टर एंजाइम हेल्प टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्म सेल्स इन एडिशन टू सिलेक्टेबल मार्कर, एक्सप्लेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये इसके आंसर आपको दिए जा रहे हैं। और में आप देखें तो ये उसका आंसर आपको दिया जा रहा है। सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरूर समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, वंडरफुल गाइस, ठीक है, बाय।